अगर आप सिंगल फेज का करें ये है, अपने घर में सप्लाई लिए हैं तो एक तो आपको दे देगा फेज, आएगा देगा न्यूट्रल, न्यूट्रल तो हर हाल में देगा। अब तीन फेज का लिए हैं तो चार वो तार आएगा, तीन तो फेज आएगा, एगो न्यूट्रल आएगा। तो अब आप कहेंगे कि सर हम फेज लेते हैं और जला के न्यूट्रल से भेजते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ से लिए पोल पे से आपके मीटर में आया है एक फेज एक न्यूट्रल, और इधर से निकलेगा आपके घर में एक फेज और न्यूट्रल, तो फेज से करंट जाएगा, न्यूट्रल से आएगा, मीटर को होते हुए पोल पे जाएगा। आप सोचेंगे सर पोलवा पे से कहाँ चल जाता है, तो पोल पे से वो जाता है ट्रांसफार्मर के पास, और ट्रांसफार्मर में एक तार द्वारा उसे ग्राउंड करके अंदर भेज दिया जाता है। तो न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में ज्यादा का अंतर नहीं है, ये अपने घर नहीं ले जाता है, वही ट्रांसफार्मर तक ले जाता है, वहां से ग्राउंड कर देता है। अब बिजली चोरी कैसे करते हैं, लो देखिए मान लीजिए आपका सिंगल फेज का मीटर है, तो एक फेज ले लिए एक न्यूट्रल ले लिए, तो ये इनपुट है, आउटपुट आपके घर में जाएगा एक फेज एक न्यूट्रल। तो चोरी करने वाला क्या करता है कि यहां से फेज ले जाता है और न्यूट्रल को बीच में रोक देता है, किसी कमरा के पास जाके न्यूट्रल को काट के टेप चिपका देता है। तो करंट तो इधर से गया, ये फ्रिज चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि केवल फ्रिज फेज मिल रहा है, पंखा चलेगा फेज मिल रहा है, लेकिन ये ससुरा होशियारी कर देता है, यहाँ से इसको ले जाके एक इधर से ना अर्थिंग जोड़ देता है। अब बताइए जाने का रास्ते को ही ना न्यूट्रल कहते हैं, तो आया फेज और न्यूट्रल ना जाके ग्राउंड में चला गया, तो ये पंखा तो चलिए जाएगा, उस ससुरा को सेफ्टियो मिल जाएगा, चलियो जाएगा। तो इससे जो है मीटर की रीडिंग नहीं उठ पाती थी, अब मीटर खूब लगा देते थे, अब बिजली नहीं आता था, तो सरकार इससे परेशान थी, तो सरकार ने ना उसकी जगह पर ले दिया डिजिटल मीटर। अब अगर आप डिजिटल मीटर लगा देंगे और सोचेंगे कि इस से बीच में न्यूट्रल को काट के बाईपास कर दे हम किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू, तो इस ससुरा जो है ना इस पे जब रीडिंग लेने आएगा तो इस पे बटन होता है, पहुंचता है, जो देखता है कितना वोल्टेज उठा रहे हैं, कितना एम्पियर उठा रहे हैं, कितना बिल आया है, तो उसमें वो बता देगा कि ससुरा न्यूट्रल में काट दिया है, क्योंकि करंट जा रहा है आ नहीं रहा है, फाइन मारिए इस पे, तो उल्टा और फंस जाइएगा। तो ये वाला जमाना ये उस मोटर पे रहता था जिसमें वो पट्टी घूमती थी, लेकिन ये डिजिटल में ये काम नहीं आएगा। तो अभी के समय बिजली बिल को कम करने के लिए हावेल्स या बड़ी बड़ी कंपनियों का पावर सेविंग यूनिट आता है, आप एक मशीन टाइप का होता है, इसे लगा दीजिएगा तो ये बिजली को कम कर देता है। ये कैसे कम करता है, तो एक्चुअली ये पावर फैक्टर को 0.08 से 0.8 से ऊपर बढ़ा देता है, यानी लगभग